येरा में, येरा। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर जी। वो जो गर्लफ्रेंड को बलून देते हैं वो वाला बलून नहीं है आपके पास? मेरे पास यही है। वो जो दिल विल बने हुए होते हैं। I know what kind of man you are. मुझे अपने भाई को गिफ्ट करना है। ये मोर दे दे, मोर 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 से खुश हो जाएगा ये। मोर से खुश हो जाएगा। मोड़ के ले लेगा। मोर से खुश। ये दे दें, एक मोर दे दें भाई। मोड़ के लोगे? सिगरेट के फायदे बताएं। सिगरेट तो नुकसान है, ये तो लिखा हुआ भी है पैकेट के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? कि भाई तम्बाकू नोशी जो है सही नहीं है। मैंने ये भी सुना है चाचा कि सिगरेट से छोटी हो जाती है उम्र। उम्र उम्र भी छोटी हो जाती है, वो भी छोटी हो जाती है। Wait, what? वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्यों? सुगड़ जाती है अंदर से, नशे वगैरह सब सुगड़ जाती है। चाचा ये तो फिर बड़ा नुकसान है, उम्र भी छोटी हो रही है, वो भी छोटी हो रही है। वो भाई जो नुकसान है ना, एक बॉट कितने का है? मुझे पड़ता है होलसेल में 100 रुपए का, ये मुझे 150 का बेचना पड़ता है। पीछे से महंगा आ रहा है। जुनेद अकरम बोल रहे हैं कि अगर पीछे से महंगा आ रहा है तो आगे से ले लो। नहीं, सलाम करें गंजी स्वैग को, बहुत बड़े हमारे यूट्यूबर हैं। बोले जुनेद अकरम अस्सलाम वालेकुम। जुनेद अकरम अस्सलाम वालेकुम। अगर पीछे से महंगा आ रहा है तो मैं आगे से लूंगा। अगर पीछे से महंगा आ रहा है तो मैं आगे से लूंगा, गलत बात तो नहीं? इसमें गलत क्या है समी, महंगाई की बात हो रही है ना, तो आगे से कहाँ से लेंगे? अब इनसे ये भी तो बताएं। अब ये तो ये जुनेद अकरम बताएंगे आपको, आपने सवाल खड़ा कर भाई। अब ये बात आप ही बताएं फिर, हम आगे से कहाँ से लें? मैं इनका क्या नाम बताया था? जुनेद अकरम। जुनेद अकरम से आप ये भी बात पूछना, पहले अंडा आया था मुर्गी आई थी? अगर उसने इसका सवाल दे दिया जवाब, तो फिर मैं इसको बोलूंगा चलो हम आगे से ही लेंगे। आपने ले लिए जुनेद अकरम की, मैं बता रहा हूँ खतरनाक किस्म की। ऐसी मैंने पोडा कर दिया उसको। आपने पोडा कर दिया? ऐसा वैसा जुनेद अकरम मुर्दाबाद। मैं मर गया, मैं बर्बाद, मेरे नसीब फूटे, आई डोंट डिजर्व टू लिव, ये क्या जिंदगी है यार। नहीं नहीं इतना नहीं, अच्छा बंदा है जी है। पहले पता नहीं था। नहीं नहीं, और हाँ कोई बात नहीं, जुनेद अकरम का बड़ा है दिल। अच्छा, दिल बड़ा है। हाँ। अल्लाह पाक उसको भी बड़ा करे। बहुत जबरदस्त करे अल्लाह। जुनेद भाई वी लव यू। जुनेद भाई आई लव यू दिल और जान से ज्यादा आपको, आई लव यू जैसे पाकिस्तान को बोलते आई लव यू टू, आई लव यू आपको, मैं तो 9, 3, 4, 8 सब आपको आई लव यू है, एंड तक है। माजिद भाई आप मुझे ये बताएं कि क्यों परेशान क्यों खड़े हुए आप यहाँ पर? गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं आ रही। गाड़ी कितनी देर में आएगी माजिद भाई? अब देखो आधा घंटा भी लग जाएगा। आधा घंटा लग पड़ेगा, रुकना पड़ेगा फिर। आधा आधा घंटा खड़ा रखते हैं आप? Oh my God, bro. Oh, hell no. होना पड़ता है खड़ा। अब हम खाने के लिए भूख लगी था, निम्को खा रही है। मतलब भूख मिटाती है? हाँ भूख मिटाती है। चाचा कब से भूख मिटा रहे हैं आप लोगों की? अभी साल हो गया बेटा। कितने साल? साल एक हुआ है। एक साल हुआ है। क्या नाम है आपका? राम जी। राम जी, राम जी मुझे ये बताएं कि इन फूलों का क्या फायदा है? इस फूलों का ये फायदा है कि जिनको जरूरत होती है वही लेके आते हैं। अगर मैं ये उसको दूं, उसको तो पिघल जाएगी? पिघल जाएगी। कौन से फूल पिघलाएंगे उसको? पिंक। पिंक अच्छी लगती है आपको? पिंक अच्छी लगती है। ये राम जी, गन्ने के रस के फायदे बताएं, क्या फायदे हैं? गर्मियां आ रही हैं। गन्ने के रस के बहुत से फायदे हैं। जैसे कि गन्ने के रस का जॉइंटिस पीलिया के लिए, लोग गर्मियों में ये गर्मी मारता है। मतलब अगर मेरे अंदर गर्मी भरी हुई है तो वो मर जाएगी? वो मर जाएगी। कितनी गर्मियां निकाल चुके हैं आप अब तक? मैं मैं इधर तो 100% काफी लोगों की गर्मियां निकाल चुका हूँ। 100% लोगों की गर्मियां निकाल चुके हैं। यहाँ के सुकून भी मिलता है उनको। सुकून दे रहे हैं, गर्मियां निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई जी हैं। अलाउद्दीन मुझे देख के आपने छुरी पकड़ ली? नहीं मैं वो उसको दे रहा हूँ छुरी। अच्छा उसको दे रहे हैं। दिन में कितनी दफा देते हैं आप इसको? क्या छुरी? कितनी दफा छुरी चाहिए होती है आपको? एक दो दफा। एक दो दफा सही है, दिन में एक दो दफा तो ठीक है। हाँ इससे गर्मी निकल जाएगी सारी। इंशाल्लाह जितनी भरी हुई है जी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। बाजार में चांद रात को क्या क्या हो रहा होता है? बस यही अब वो तो गलत काम ही हो रहा है। और क्या गलत काम हो रहा है? लड़कियां भी इसमें मोड़ हैं और लड़के भी हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां अभी आप खुद देख लो, रोजे का माहौल, अभी थोड़ी देर के बाद ही देख लें ये जिसम उनका सब कुछ तो दिख रही है। फायदा बाजार में आने का, लोग उन्हीं को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बाजार को तो कम देख रहे हैं, उनको ज्यादा देख रहे हैं। और फेमस हुई है ज्यादा ना, ये फिटिंग अब आए, ये फिटिंग दुपट्टे। बाबा क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पर? तेल बेच रहे हैं। तेल बेच रहे हैं? किस चीज का तेल बेच रहे हैं? आमले का, धनिये का, खोपरे का, सरसों का। तेल बेहतर होता है या वैसलीन? वो
जो फायदा दे दे वही बेहतर है। नारियल का पानी फायदेमंद है भाई। नारियल का पानी फायदेमंद है ये मैदे वास्ते और इस हड्डियों के दर्द वास्ते। अच्छा, ये ज़्यादा बेस्ट है। सही है, मतलब पानी पी लेना चाहिए जी, थूकना नहीं चाहिए। थूकना नहीं चाहिए। माशाल्लाह जहाँजेब, चूड़ियाँ बेच रहे हैं आप? जी जी, ईद का मौसम है। बिल्कुल, चूड़ियों के फायदे बताएं। वो बस डरा देते हैं। साकिब भाई, मैंने ये भी सुना है कि कुछ ख्वातीन इस तरह की होती हैं जो कि किराए से बचने के लिए रिक्शा ड्राइवर से फ्लर्ट करती हैं। जी सर, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, अब सवारी ने यहाँ तक रिक्शा करवाया 200 रुपये का। अब वो कहती है कि हम आपको जो है ना, 5 लेडीज़ होती हैं, 3 पीछे बैठती हैं, 2 आगे बैठती हैं, 1 इधर और 1 उस तरफ। जी सर, बस इस नाम लेती हैं सर, गंदा गंदा, तो कहती हैं इस तरह हाथ रखती हैं। चलें सही है, फिर ये एक पैक कर दें। सही है, तो पैक कितने लेने? एक कितने लेने क्या मतलब ये चाचा, ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप मेरे से? आप तो एक दर्जन ले रहे हैं। बोल दिया कि चाचा मेरे को ये चाहिए। 15 होगा बस। हाँ तो बस देने। ईद का क्या प्लान है माजिद भाई? ईद आने वाली है, देखो अल्लाह बेहतर कर देगा जो भी होगा। अभी तो कोई सेटिंग नहीं है ईद की। अभी तो कोई सेटिंग नहीं है? नहीं। अली भाई, आपके लिए ईद क्या है? वेल जानी, ईद जो है, ईद एक खुशी है और ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान को रहता है। डजंट मैटर वो अमीर है या गरीब, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ईद इज़ टू बी हैप्पी। चाचा, छालिया कौन कौन सी है? छालिया मेरे पास टेस्टी है और बम्बई है, 7 अप है और टिकटॉक। एक शाहिड लक्स खिलाएंगे? हाँ, शाहिड लक्स 2 खिलाऊंगा सर। चलें इसकी बात करें, ये कितने का दे रहे हैं आप? 150 का प्यारे। 150 जी, कम नहीं होंगे? नहीं प्यारे भाई। चलें फिर मैं आपसे एक ले रहा हूँ, ज़रा ये रखिएगा, खोल के देखें पैसे पूरे इसमें? पूरे ही है, अल्लाह के हुक्म से आपने ये गिफ्ट दिया मेरे बच्चों के लिए। निकाले नहीं, आप यहीं से देख लें पूरे, ठीक है? ये केले चाचा, ये मेरी तरफ से आपको ईद का तोहफा है। सही है, ठीक है। क्या इतने कम बनते हैं यार? नहीं, ये आपके हैं। ये आपके, ये आपकी ईदी है ना यार? हाँ, ये आपकी ईदी है। तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने करीब करीब या वो लोग जिनको ज़रूरत है, जिनकी ईद मनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनके लिए खुशी का बायस बने। ओपिनियन, ईद इज़ समथिंग कि जिसमें आप खुशियाँ बांटते हैं, सो ईद इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। दैट्स इट। समी भाई, ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जमील भाई को भी खैर ईद मुबारक। जुनेद भाई को भी ईद मुबारक खसूसी, और आपको अड़मास में ईद मुबारक। अड़मास में तराबी, ये तो हो गई है वैसे, ये भी मुबारक है, रमजान भी मुबारक है। ईद मुबारक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दफा कह दें अली एजाज को सब्सक्राइब करें, अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अली एजाज भाई हैं हमारे, माशाल्लाह पहली दफा इनसे मुलाकात हुई है, अल्लाह पाक इनको इनका अजर देगा सर। अली एजाज को सब्सक्राइब करें भाई, मेरे को ये खुश कर दिया, अभी मेरी ईद भी खुश कुछ न कुछ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें अली एजाज, चीयर्स तो कर लें। चीयर्स, चीयर्स। कि खुशियां वो होती हैं जो फैलाने से फैलती हैं, और अब मैं बहुत ज़्यादा फैल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट आउट हो चुका हूँ।